अंकुश राज स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के नोटबुक तैयार किया जाते हैं। सभी प्रकार के नोटबुक लेने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, बनवाने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है सिरारी रोड, चिवाड़ा, शेखपुरा। प्रोप्राइटर सुजीत जी। मोबाइल नंबर है 9693265914, 8651243349। उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर के खगा में पुलिस जनता के प्रति कैसा बर्ताव हो रहा है? जब से खागा कोतवाली की कमान संभाली अरुण कुमार चतुर्वेदी जी ने लगातार जनता के हित में उचित न्याय कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि खागा कोतवाली प्रांगण में दलालों की बाजार खत्म कर पीड़ितों से सीधी बातचीत कर उचित फैसला करने में पहले कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी जी देखे गए हैं। और खागा कोतवाली से जुड़े सभी पुलिस प्रशासन खुश रहते हैं और दलालों से छुटकारा पाकर विभाग बहुत खुश है। और जब से खागा कोतवाली आए अरुण कुमार चतुर्वेदी जो प्रतिदिन लाखीपुर की समस्याएं सिखाते देखते हुए एक दिन लाखीपुर जाकर देखा तो वहां सभी नटों का काम था किसी की भैंस रात में खोल लाना, किसी की मोटरसाइकिल चुरा लाना और बच्चों से भीख मांगने जैसे कामों को देखते हुए मन में ख्याल आया कि इनके साथ कैसे पेश आए, जैसे इनकी और इनकी नई जनरेशन को कैसे बदला जा सकता है। आप लोगों को बता दें कि खागा कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी ने आज एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया जो कोतवाली क्षेत्र के नट डेरा लाखीपुर के नटों के बच्चों को चिन्हित करके उनके अभिभावकों से संपर्क करके उनके बच्चों को प्राथमिक विद्यालय लाखीपुर में खंड शिक्षा अधिकारी विजयपुर रजनी श्रीवास्तव की उपस्थिति में एडमिशन करवाया। आपको बता दें कि लाखीपुर के नट डेरा के बच्चे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे, दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे, यहां तक कि विद्यालय जाने के लिए कभी सोचा नहीं था, वही बच्चे आज विद्यालय में पहले नाम लिखवाने के लिए सबसे आगे हैं। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी ने नट डेरा में जाकर ऐसे बच्चों के माता पिता से मिले और उन बच्चों को स्कूल भेजने के लिए समझाया। और कई दिनों की मेहनत के बाद आज अपने पुलिस बल के साथ लाखीपुर गाँव गए और लगभग एक सैकड़ा से अधिक बच्चों को अपने साथ ले जाकर स्कूल में एडमिशन करवाया। इस मौके पर एसआई उत्कर्ष मिश्रा, कांस्टेबल नवल सिंह, कांस्टेबल उमेश महिला, कांस्टेबल सुकन्या संतोषी, अनामिका और आरक्षित रोहित व समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। तो आइए सुने क्या बताया खंड शिक्षा अधिकारी रजनीश श्रीवास्तव और कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी जी ने। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल, संवाददाता राजकुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। जो भी समाधान करना चाहता है मैं सब करूंगा। बस आप अपने बच्चों को स्कूल भेजे। हम गए तब वहाँ नहीं आते। सभी लोग मिलके यहाँ पे इतने सारे बच्चों का नामांकन करा रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, ठीक है ना? और स्कूल में क्या क्या मिलेगा, जैसे ये तो आपको बताया कि जूता, मोजा, यूनिफॉर्म, यहाँ पे खाने के लिए अच्छा खाना मिलेगा, फल मिलेगा, दूध मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपके बच्चों को। और उसके साथ जैसे कि इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि अगर एक भी बच्चा आपके गाँव से पढ़ लिख के कुछ बन गया तो पूरे गाँव की तस्वीर बदलेगी, आपके पूरे परिवार की तस्वीर बदलेगी, ठीक है ना? और सभी बच्चे फिर कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। अभी आपको तात्कालिक प्रभाव दिखाई पड़ता है कि बच्चा गया भीख मांगने, एक दिन में 200 रुपए लेके आ गया, चलो भैया आज का काम चल गया। लेकिन वही बच्चा अगर पढ़ लिख कर कुछ बन गया तो सोचो कितनी बड़ी बात हो। मैं 3 नवंबर 2022, मुझे अभी 2 महीने भी आए नहीं हुआ खाना खागा में। जब मैं आया तो मैंने यहाँ पर देखा कि शाम को 4 बजे से लेकर के 11 बजे तक मेरे थाने की आधी फोर्स यहाँ के नट डेरा और लाखीपुर डेरा, इन्हीं 2 गांव में पड़ी रहती है। शाम को ये दारू पीते हैं, उनके परिवार के अपने बच्चों को मारते हैं, अपने घर की महिलाओं को मारते हैं। फिर जब मैंने इस पर अध्ययन किया तो फिर मैंने यहाँ पर कैंप किए,
अपनी पूरी फोर्स को लेकर के इनको समझाया और इनको स्कूल लाने के लिए प्रेरित किया। मैं सोचता हूँ कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, अगर इनके परिवार का, इनके गांव का एक भी बच्चा अच्छे रास्ते पर निकला तो उससे हमें कानून व्यवस्था में सहायता मिलेगी। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मेन इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारी कानून व्यवस्था सुधरे। ये गांव भैंस चोरी के लिए, बकरी चोरी के लिए कुख्यात। यहाँ के नट डेरा के लोग कई जगहों पर जाते हैं, वहाँ पर भैंस चोरी करते हैं, ये करते हैं। लेकिन मैं जब से आया हूँ, कम से कम इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार करने का प्रयास कर रहा हूँ कि चोरियाँ ना हो और ये अपने बच्चों को स्कूल भेजें। जनता की तरफ से क्या समर्थन मिला है अभी तक? अभी तो पहले तो हमको एक आश्चर्यजनक बात है कि मैं 2-3 दिन से जब ये प्रयास कर रहा था, जब हम लोग गाँव में आते थे, बच्चे भग जाते थे, कोई खेत में जाके छुप जाता था। एक पुलिस के प्रति, गांव में लोगों के प्रति अभी तक यही देखे हैं कि पुलिस जब आती थी तो इनके घर में इनके बाप को, बाप को डांटती फटकारती थी, चूंकि वो दारू पी करके हंगामा काटते। इनको समझा करके बच्चों को एक हफ्ते के अंदर अब जा करके इनको लाने में हम लोग यहाँ पर सफल हुए और धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ कि पुलिस की छवि, एक मानवीय चेहरा हम प्रस्तुत कर सकें। ऐसे कितने बच्चे पाए हैं आपने जो शिक्षा से दूर थे अभी तक? अभी तक 107 बच्चे बड़े हैं जो कि यहाँ लाखीपुर डेरा के हैं और 27 बच्चे दूसरे गांव के हैं। उनका भी अभी चिन्हांकन करके एडमिशन कराया जाएगा। आज जितने बच्चे आए हैं, पहले इनका हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आज एडमिशन हो जाए। पर्चे अपना आपका आप पब्लिक के प्रति जनसंदेश क्या देना चाहेंगे? जनसंदेश तो यही है कि बच्चे सब आए स्कूल में, आए, उनको बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं सरकार की, उसका लाभ लें और पढ़ लिख करके एक अच्छे नागरिक बने। और इसमें पब्लिक का सहयोग भी मुझे अब मिल रहा है। क्या कारण था कि बच्चे अभी तक जो है ये शिक्षा क्षेत्र से दूर थे? बिल्कुल, इस संबंध में हेडमास्टर से बात किया गया, उनके द्वारा बताया गया कि तकरीबन 30-40 बच्चों का उन्होंने नाम लिखा था, लेकिन वो पिछले 3 महीने से विद्यालय नहीं आ रहे थे। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय नियमित रूप से नहीं आते रहे, जिस वजह से भी उनका नाम पुनः मतलब आउट ऑफ स्कूल हो गए वो। लेकिन अभी इंस्पेक्टर खाजा साहब ने बहुत सहयोग दिया इसमें और इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि नियमित रूप से कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे पुलिस की और जो गांव में हम लोगों के साथ भ्रमण करके वहां पे बच्चों को विद्यालय लाने का कार्य कर रहे हैं। अभिभावकों का आरोप रहा है कि बराबर आते रहे लेकिन हेडमास्टर आधार कार्ड न होना बेस बता के नाम नहीं लिखते रहे हैं, क्या सहायता मिलेगी इसमें अब? नहीं, अगर ऐसी कोई बात है तो निश्चित रूप से इसकी भी जांच करेंगे, लेकिन आधार का कोई प्रश्न नहीं उठता। आधार हम निश्चित रूप से बच्चों का बनवा देंगे, हमारे कार्यालय में आधार बनते हैं ऐसे सभी बच्चे, बस नियमित रूप से विद्यालय आए। अध्यापकों की ये जिम्मेदारी है कि वो नियमित रूप से विद्यालय भेजें, आधार हम सभी बच्चों का बनवा लेंगे। राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान जैसे तमाम ऐसे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के चलते रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाहियाँ हुई हैं, इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, अभी लापरवाही का मतलब ये है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन का कार्य चल रहा है, इस वजह से हम इन बच्चों का आउट ऑफ स्कूल में निश्चित रूप से नामांकन कर लेंगे। हाँ, प्रश्न ये उठता है कि ये बच्चे अभी तक नामांकन क्यों नहीं किए गए, जिसके संबंध में प्रधानाध्यापक से पूछताछ की जाएगी। जो काम शिक्षा विभाग का था आज वो पुलिस विभाग कर रही है, कितना अप्रिशिएट करना चाहेंगे आप पुलिस विभाग को? बहुत बहुत सराहनीय कार्य है इंस्पेक्टर साहब का, जिनके मदद से आज ये बच्चे हमारे विद्यालय तक इनके अभिभावक भेजने के लिए तैयार हुए, अन्यथा अध्यापक प्रयास करते रहते हैं लेकिन आने को तैयार नहीं होते थे। बहुत सराहनीय कार्य है।